आसिया बीबी केस बारे रिमार्क्स देने आए चीफ जस्टिस साकब निसार हो रहा आख्या कि आसिया बीबी केस का फैसला देने वाले जज किसे तो घट आशके रसूल नहीं ते ना मूसे रसालत वास्ते अपनी जान देने लई भी तैयार ने, पर जे केस ही ना बनता होवे तो फिर सजा किवें देईए। लुकाई नू चाहिदा है कि साडा फैसला पढ़ दे लवे। असी इसे लई फैसला उर्दू विच जारी किया है ताकि लोग पढ़ सकन। चीफ जस्टिस होरां ने मजीद आख्या कि कई जज अपने बेंच विच बैठे दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत तो बगैर किसी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। दूजे पासे पार्लीमेंट विच आसिया बीबी फैसले तो बाद मुल्की सूरत हाल से गर्मा गर्म बहस हुई, जिदे विच ओपोजिशन पार्टियां ने वजीर आजम की तकरीर से तनकीद की। खुर्शीद शाह होर आख्या कि शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं तो वजीर आजम के बयान तो इंज लगता है जिमें वजीर आजम बाहर निकल के लड़ पैणगे। उन्होंने लोगों जो आख्या या नहीं आख्या पर वजीर आजम ने आख दिता। नून लीग के साद रफीक होर आख्या कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल तो कोई भी पार्टी सियासी फायदा नहीं चुकना चाहती, पर हुक्मराना का रवैया भी जारहाना नहीं होना चाहिए। इसका जवाब में शफकत महमूद होर का कहना है कि अदालती फैसलों पर अमल कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, पर अफसोस है कि अदालती फैसले पर भी सियासत खेली जा रही है। जिदा वाजे सबूत यह है कि ओपोजिशन ने रियासती रिट चैलेंज करने वाले की मुजम्मत भी नहीं की, जबकि वजीर आजम ने तो बड़ी बहादुरी नाल हुकूमती मौकफ आवाम तक पहुँचाया है। दूजे पासे वज़ीर आज़म ने वफाकी कबीना के इजलास में मुल्की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया ते हकूमती रिट चैलेंज करन दी कोशिश करन वालियां नाल सख्ती नाल निबड़न का इशारा देंदिया होया आख्या कि किसी नूं भी कानून हाथ में लैन की इजाजत नहीं दी जा सकती।